नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम इंट्रांसिटिव वर्ब को समझेंगे, तो आइए समझते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अकर्मक यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आता ही ना हो, तो वो ऐसी क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ऐसी वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही ना पड़ती हो तथा उसका प्रभाव सीधे सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हो, तो ऐसी जो हमारी वर्ब होती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। राम जाता है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे राम गोज। तो यहाँ पर गोज के बाद कुछ भी नहीं आया है, गोज ही हमारी वर्ब है और उसके बाद कुछ नहीं आया, इसका मतलब ही हमारी गोज इस सेंटेंस में कैसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांसिटिव है? क्योंकि गोज यानी जाता है, तो जाने का सीधा सीधा असर जो है वो राम पर पड़ रहा है, ना कि किसी और वस्तु या और चीज़ पर। तो क्रिया का असर जब सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है और वर्ब के बाद जब कुछ भी नहीं आता है, तो इसका मतलब वहाँ पर हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर यहाँ पर गोज के बाद कुछ और दिया होता, यानी गोज का असर किसी और पे भी पहले पड़ता उसके बाद राम पर पड़ता, तो यही वर्ब हमारी ट्रांसिटिव यानी सकर्मक हो जाती। अगर इसके साथ कर्म होता लास्ट में दिया हुआ, तो यही वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती, लेकिन चूंकि कर्म नहीं दिया हुआ है तो यही वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है। यहाँ पर इस गोज जाने का सीधा सीधा असर किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, तो इसलिए कैसी वर्ब मानी जाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब मानी जाएगी। सेम वही वर्ब जो है ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो वो ट्रांसिटिव यानी सकर्मक है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आई होप आज का ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा दूसरा चैनल श्रीकांत सिंह जो ब्लॉग का चैनल है, उसको भी विजिट जरूर करें। उसका लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाकर आप उस चैनल को भी विजिट जरूर करें। जय हिंद।